और लॉकडाउन तोड़ोगे तो लाठी खाओगे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को यही मंत्र देती नजर आई। नॉर्थ 24 परगना से कोलकाता तक पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और बेवजह सड़कों पर उतरे लोगों को वापस घर भेजा। पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। साइकिल वाला, बाइक वाला, ठेले वाला, दुकान वाला, सब पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की तस्वीर है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बावजूद जब लोग बात से नहीं माने तो पुलिस लाठियों के जोर से अपनी बात मनवाने सड़क पर उतर आई। लाठी से लॉकडाउन लागू करने का ये फॉर्मूला पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में भी नजर आया। ये बर्दवान की तस्वीर है। बिना कारण सड़कों पर निकले लोगों को पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, फिर ना माने तो लाठियां बरसाकर वापस खदेड़ दिया। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन की तस्वीर देखिए। यहाँ भी पुलिस ने लोगों को घरों में धकेलने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया। न्यू टाउन पुलिस ने सुबह सुबह बाजार में छापा मारा। जो भी सड़कों पर नजर आए उन पर जमकर सख्ती की। इतनी सख्ताई चल रही है और फिर भी तुम अपने उसमें निकल रहे हो, इसलिए तुम्हारा दंड है, तुम दंड बैठक लगाओ। दिल्ली के बदरपुर में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिसिया सख्ती साफ नजर आई। पाबंदी के बावजूद बाहर निकलने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर सबक सिखाया। तुमको ये नहीं दिख रहा है कि प्रशासन सख्त है? अरे भले आदमी, ये तो देखिए, कोरोना से बचना है। ये जिंदगी का सवाल है, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाले तमाम लोगों की। इसलिए इससे खिलवाड़ न करें। आपकी समझदारी देश को कोरोना से बचा सकती है। आज तक ब्यूरो, आप अपने घर में जाइए और आराम से निकलने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी घर से। ठीक है। और लोगों पर अगर पुलिस सख्तियां कर रही हैं तो लोग भी इसके लिए कम कसूरवार नहीं है। मुंबई के ठाणे में आज सुबह जब सब्जी मार्केट खुला तो भारी तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सब्जी खरीदने पहुंचने लगे। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार बार बार लोगों को आगाह कर रही है, अपील कर रही है कि वो एक जगह नहीं जमा हो। ये देखिए नजारा। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है, ये बात बार बार सरकारें समझा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये भीड़। अब ऐसे में कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे? इसलिए लॉकडाउन किया गया और जब लॉकडाउन से भी नहीं समझे लोग तो कर्फ्यू लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने कई इलाकों में धारा 144 भी लगा दी है और लोगों से कहा है कि वो कतई घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर यही नजारा रहा तो कोरोना से लड़ना आसान नहीं। कोरोना से शहर शहर हाल बेहाल है। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से लॉकडाउन लागू है। हर शहर में सख्ती देखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं शहर शहर से ग्राउंड रिपोर्ट। भिवंडी बाईपास पर जहां पर जो भी गाड़ियां हैं उन्हें प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। पुलिस आईडी कार्ड्स चेक कर रही है सारे ड्राइवर्स के, और जो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, कलेक्ट्रेट के डिपार्टमेंट्स, बीडीए पर्सनल, सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है, उन्हें ट्रैवल करने की परमिशन दी जा रही है। और जो लोग आईडी कार्ड्स प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें उनके घर वापस भेजा जा रहा है। इसी तरीके की चेकिंग महाराष्ट्र में सारे जिलों में चल रही है। सारी जगह पर इसी तरीके का लॉकडाउन।
लॉकडाउन है, इसी तरीके से कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस जगह जगह पर गाड़ियों को रोक रही है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां एक्शन तक कर रही है। एक ओर जहां लाठियां बांधी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना लिखे। एक ओर जहां माइकिंग हो रही है वहीं जादवपुर पुलिस की ओर से कोलकाता पुलिस के साथ साथ बाकी सारे लोग निगरानी में है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्यों निकल रहे हैं, अगर एसेंशियल्स गाड़ियां हैं तो उन्हें छोड़ा जा रहा है। सड़कों पर निकलने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो सड़क पर क्यों हैं, वो घर से क्यों निकले हैं। बाजार में अगर सब्जियों की दुकान खुली है तो लोगों की संख्या को हमेशा कंट्रोल में रखा जा रहा है। जादवपुर थाना की ओर से जगह जगह माइकिंग की जा रही है। माइकिंग में बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि जिनको जरूरी नहीं है वो अपने घरों से ना निकलें। सामान्य तौर पर जो चीजें घर में रोज की जरूरत है उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, उनके लिए बाजार खुले हैं, लेकिन जो लोग घर से किसी काम के बिना निकल रहे हैं उन्हें वापस घर में भेजना भी जरूरी है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन दिया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को बार बार सरकार ये कह रही है कि वो अपने घर के बाहर ना निकले, लेकिन जो लोग अपने काम से यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस अब एक्शन में आ गई है। पुलिस उन सब लोगों को यहाँ पे रोक रही है, उनके आई कार्ड को चेक कर रही है। अगर कोई बिना काम के, बिना मतलब के बाहर निकला है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी कर रही है। कल ही गुजरात के डीजीपी ने यह कहा था कि जो लोग बिना काम के बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ धारा 144 जो कि पूरे गुजरात में इम्पोज की गई है उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लोगों को रोक ले रही है। पुलिस लगातार उनको ये कह रही है कि इस तरीके से घर से बाहर ना निकले, बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों की जो आई कार्ड है उसे भी अब चेक किया जा रहा है। पुलिस के जरिए ये सख्त कार्यवाही की जा रही है। पुलिस जो ऑटो रिक्शा है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको भी रोक रही है, लेकिन लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं। ये बीमारी जो है जिस तरीके से ये फैल रही है गुजरात में, अब जो कोरोना है, कोरोना के 33 मामले सामने आ चुके, बावजूद उसके लोग इस तरीके से अपनी जो लापरवाही है उसे दिखा रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं लेकिन पुलिस अब सख्त है और पुलिस इनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। हम इस वक्त लखनऊ में एक नाके पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी भी देखिए। हर जगह इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। ये तमाम पुलिस वाले हैं जो रोक रहे हैं लोगों को, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जाने के पीछे का वैलिड रीजन क्या है। ये देखिए, ये बकायदा कागज दिखाया जा रहा है। हॉस्पिटल के लिए बताया गया है ना कि हॉस्पिटल, ये अस्पताल आदमी क्यों जा रहे हैं, चलो। तो ये लोग अस्पताल जा रहे हैं इसलिए इन्हें छोड़ने की अनुमति दी गई है। ये लोग जा रहे हैं, ये बताइए कि आप लोग सब लोगों को चेक कर रहे हैं, चेक करके? हाँ, सब हर कोई चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही जा पा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं या मेडिकल इमरजेंसी जिनके हैं वही जा रहे हैं। ये हाथ में क्या वो लिस्ट है? क्या लिस्ट नहीं है ये, क्योंकि ये क्या? ये अगर कोई इस तरह के लोग जा रहे हैं तो उनका मैं एक वो डिटेल भर ले रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, तो क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर जो लोग इससे फ्रॉड करके अगर कोई जा रहे हैं तो क्रॉस चेक अगर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बढ़िया। ये एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग जो बाइक पर सवार लोग हैं उनको भी चेक कर रहे हैं कि एक पर सबको चेक कर रहा है? बाकी डिटेल आप बाइक ये बताइए, मैं ज़रा इधर देख सकता हूँ। दरअसल ये वो कागज़ है जिसमें लगातार लोगों के बारे में लिखी जा रही है सूचना कि आप कहाँ जा रहे हैं, किन से मिलने जा रहे हैं, और पुलिस वाले इसे क्रॉस चेक भी करेंगे क्योंकि बहानेबाजी की कोई जगह नहीं होगी। पुलिस कमिश्नरेट में जगह जगह नाकेबंदी हमें दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा लॉकडाउन इसी वजह से सफल भी है। और सख्ती का नजारा राजधानी दिल्ली में भी नजर आया। यहाँ लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। कल की तुलना में आज भारी सख्ती नजर आई। जो लोग बिना किसी कारण सड़कों पर उतरे उन्हें या तो वापस भेज दिया गया या फिर उनका चालान किया गया। दिल्ली में लॉकडाउन का ये नजारा है। सड़कें सूनी हैं, लेकिन हर आने जाने वालों पर पुलिस की कड़ी निगाहें। चाहे वो बाइक वाला हो या फिर कार वाला, सबकी चेकिंग हो रही है। आई कार्ड देखा जा रहा है। जो लोग जरूरी सेवा में हैं, उन्हें ही आगे जाने दिया जा रहा है। जो लोग बेवजह सड़क पर घूमते पाए गए उन्हें इस तरह की तख्तियों के साथ
वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आज लॉकडाउन के दूसरे दिन सरकार किस तरह सख्ती कर रही है, हम उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनके हाथों में इस तरह से तख्तियां दे रही है। मैं देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं हूं क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं। सिर्फ आपात सेवा, इसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों की कड़ाई से जांच की जा रही है, निगरानी भी की जा रही है, और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस से लोग हैं, उनके अलावा कोई भी जा रहा है या तो चालान काटे जा रहे हैं या फिर हाथों में ये तख्तियां दी जा रही हैं कि वो जिम्मेदार नागरिक नहीं है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर एक जैसा नजारा दिखा। ये शादीपुर की तस्वीर है। पुलिस वाले उन लोगों को रोकने के लिए मौजूद हैं जो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकले हैं। सर आई कार्ड प्लीज। आई कार्ड तो नहीं है दोस्त मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल? आरकेएलसी मेट्रो। समझ रहा हूं। थैंक यू। लाइसेंस। पुलिस कई लोगों का चालान भी कर रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ये सख्ती भारी पड़ रही है। दिल्ली पूरी तरह लॉकडाउन है लेकिन सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग अभी भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं जो कि बेहद ही हैरानी की बात है। हम आपको ये लंबा जाम दिखाते हैं। देखिए इस वक्त हम द्वारका में मौजूद है पालम फ्लाईओवर के नजदीक और ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है और उसके बाद धोला कुआ। ये लंबा जाम बताता है कि किस तरह से यहाँ पर जो आवश्यक वाहन है उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लंबी लाइन बसों की है, एक लेन बसों की ट्रकों के लिए यहाँ पर मौजूद है जो आवश्यक वस्तु लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। कल लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बुरी स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस के रोकने पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी लेकिन आज हालात सुधरे नजर आए। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी का हाल देख लीजिए। दिल्ली के आइकॉनिक कैनॉट प्लेस में आज माहौल कुछ अलग सा ही है। पीछे पुलिस खड़ी है जो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रही है कि कृपया अपने घरों से बाहर ना निकलें। बैरिकेडिंग लगी हुई है। पुलिस वाले उन सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं जो इस समय बैरिकेड को क्रॉस करना चाह रहे हैं। देखिए काफी भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पे, और ये है दिल्ली का आइकॉनिक कैनॉट प्लेस, जहाँ आज से कुछ महीने पहले अगर किसी को कहा जाता कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि दिल्ली का कैनॉट प्लेस खाली रहेगा, शायद उसको विश्वास ना होता, लेकिन ये आज की जमीनी हकीकत है। अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर के दूसरे छोर का नजारा देख लीजिए। एक तरफ दिल्ली में कर्फ्यू तो दूसरी तरफ नोएडा में लॉकडाउन। जो सड़क पर उतरने की ठीक से वजह नहीं बता रहे उन्हें पुलिस वापस भेज रही है। दिल्ली में कर्फ्यू और यूपी के नोएडा में इस वक्त लॉकडाउन है और ऐसे में दिल्ली और नोएडा की सीमा पर जबरदस्त तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि जो गाड़ियां अलाउ की जाएंगी क्या वो एसेंशियल सर्विस वाली है या फिर ऐसे ही गाड़ियां आ रही है, क्योंकि जो गाड़ियां एसेंशियल नहीं है उन्हें यहां से वापस किया जा रहा है। देखिए यू टर्न लेने को बोला गया और वापस दिल्ली भेज दिया गया है। केवल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी गाड़ियां यहां पर अलाउ की जा रही और सबकी जो है आईडी चेक की जा रही है। पहले दिन लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सख्ती का ऐलान किया था। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई। सिर्फ कर्फ्यू पास वालों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत दी जा रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सरकार के दिशा निर्देश का ख्याल रखिए। आपकी सावधानी आपको और आपके आसपास के लोगों को कोरोना से बचा सकती है। आज तक ब्यूरो।